Yo, what's up guys, what's up, so welcome back to another gameplay series of Parabol. और आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी Parabol की एक brand new series जिसमें मैं हूंगा Ash Ketchum और मेरे को पकड़ने होंगे बहुत सारे तगड़े तगड़े Pokemons। और जैसे कि मैंने आप लोगों से कम्युनिटी पोस्ट में पूछा था कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक की चाहिए, तो बहुत से लोगों ने Parabol को वोट किया था, तो उसमें टोटली 50% वोट थे। तभी मैं लेकर आ चुका हूँ Parabol की एक नई सीरीज और मैं ऐसे कम्युनिटी पोस्ट में आप लोगों से पूछते रहता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक की चाहिए, तो आप उस कम्युनिटी पोस्ट में वोट करके बता सकते हो नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक में चाहिए। और हम बिना टाइम वेस्ट करे अपने सीधे अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं, बिकॉज मैंने बहुत देर से टाइम पास कर लिया, तो सीधा अपने वर्ल्ड क्रिएशन पे चलते हैं। वर्ल्ड का नाम तो मैं ये पारपागोस आइसलैंड करके कुछ नहीं रखने वाला, क्योंकि मैं अपना एक खुद का नाम रखने वाला हूँ, क्योंकि ये नाम बहुत बकवास था। तो रुक जाओ, मेरे को अब थोड़ा सा टाइम दो, मैं जल्दी से अपना नाम सोच कर आता हूँ। A few inches later. चलो, मैंने एक प्यारा सा नाम यहाँ पे सोच लिया। Pause. तो guys, मेरे को आपको एक चीज बतानी कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरे चैनल पे 10K सब्सक्राइबर्स होने में थोड़ा सा टाइम ही बचा, मतलब मेरे को थोड़े से बूस्ट मिल जाएगा, तो मेरे 10K सब्सक्राइबर जल्दी से हो जाएंगे। और मैंने अपने 10K सब्सक्राइबर के स्पेशल में एक चीज सोची कि मैं अपने चैनल पे 10K सब्सक्राइबर्स पे लाइव आऊंगा और लाइव Q&A करेंगे गाइस हम मिलके। मतलब उसमें क्या होगा, आप मेरे से लाइव क्वेश्चन पूछ सकते हो और मैं आपको लाइव आंसर्स भी दूंगा। तो गाइस, अगर आप Q&A की वीडियो जल्दी से चाहिए, आप जल्दी से सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर सकते हो, ताकि मैं जल्दी से अपने चैनल पर लाइव आऊं और लाइव Q&A करें। और गाइस, इस वीडियो को बनाने में बहुत सारी मेहनत लगी है, मतलब मेरे को सबसे ज्यादा मेहनत इसी वीडियो में लगी है। तो गाइस, प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर से वॉच करना और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। चलो वीडियो की तरफ चलते हैं, फिर से प्ले। क्या है और वर्ल्ड का नाम मैं रखने वाला हूँ पोकेमोन की दुनिया, या भी हम पोकेमोन्स की दुनिया में रख सकते हैं, क्योंकि इस वर्ल्ड में हमारे चारों तरफ पोकेमोन्स ही पोकेमोन्स होंगे और हमको उन सारे पोकेमोन्स को पकड़ना होगा। तो जल्दी से अपना वर्ल्ड का नाम रख लेते हैं पोकेमोन्स की दुनिया और कंफर्म कर देते हैं और ओके, और बिना छेड़छाड़ करते ओके पे क्लिक करते हैं और यस। चलो अब शायद से हमारा वर्ल्ड क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि मैंने नाम वाम सब सेट कर लिया है। आई होप सो वर्ल्ड क्रिएट हो जाए और ये कुछ लोड हो रहा है। अच्छा गाइस, हमको अपने यहाँ पे नाम रखना है, तो रीदर रॉयल्स तो मैं ऑब्वियसली नहीं रखूंगा, बिकॉज ये मेरा माइनक्राफ्ट नेम है। एज माई यूट्यूब नेम, मैं अपना नेम रीदा आयुषी रखूंगा, बिकॉज ये मेरा यूट्यूब का नाम है ये। और यहाँ पे मैं ऑब्वियसली लड़की तो लेने वाला नहीं हूँ, और यहाँ पे लड़के भी हैं और अंकल के भी हैं, क्या तगड़े लग रहे हैं अंकल, सिक्स पैग्स हैं, क्या सिक्स पैग्स नहीं एट पैग्स हैं भाई साहब, देख रहे हो। और ये लड़का भी अच्छा लग रहा है, इस लड़के को टाइप वन में क्या है, ये रुक जाओ, अरे ये क्या हो गया, ये नहीं करना था, टाइप टू ही रहने देते हैं यहाँ पे। और इसके ये क्या है, इसको क्या बढ़ाओ, अच्छा ये चेस्ट बर्ड है इसकी, अरे अरे ये क्या हो गया, ये मैंने नहीं किया, गलती से हो गया, पर अच्छा भी लग रहा है और पतला भी अच्छा ही लग रहा है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मेरे को ये बंदा ज़्यादा पसंद नहीं आया, मतलब वो अंकल जी के सामने ये उतना तगड़ा ही नहीं है, बिकॉज जो अंकल जी हैं उनकी शक्ल इतनी डरावनी, मतलब पोकेमोन देखकर ही भाग जाएंगे, तो मैं सबसे पहले उनको ही चूज कर लेता हूँ। और ये रहे अंकल, और अंकल के भी 8 packs हैं, तो मैं जल्दी से इनको कस्टमाइज करता हूँ, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा तगड़े लग रहे हैं, और थोड़े से इनके मजे लेता हूँ, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं ना गेम, ठीक है। वॉइस चेंज करते हैं, वॉइस में अंकल जी का हुई वाला रख देते हैं और अपना चलो वर्ल्ड स्टार्ट कर देते हैं। और अब शुरू हो जाएगा अपना वर्ल्ड, और यहाँ पे मैं आगे खुल चुकी हूँ, मेरे को प्यारे प्यारे से पोकेमोन देख रहे हैं, और अरे इनने मेरे को देख लिया, डर गए भाई ये भागे, अरे गिर गए गाइस, ये बिल्ली गिर गई थी। और मैं यहाँ पे एक आइलैंड में आ चुका हूँ, और अच्छा यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, टैब है, और इसमें बोल रहे हैं टावर्स आर द की, द ट्री होल्ड्स द ट्रुथ, और इसका मतलब मेरे को कुछ समझ आया, शायद इसमें एक ट्री है जो कोई ट्रुथ होल्ड करता है, तो हमको शायद वो ट्री के पास जाना होगा। और अभी हम अपने वर्ल्ड में आ चुके हैं गाइस, ये है अपनी पोकेमोन्स की दुनिया गाइस, कितनी सही लग रही है देख रहे हो, और अंकल जी ज्यादा ही मोटे बना दिए मैंने गलती से, पर चलो कोई नहीं, अभी हम आगे जाके देखते हैं गाइस क्या क्या है यहाँ। ये विंड स्वेप्ट हिल्स में हूँ मैं अभी फिलहाल के लिए, और ये रहा अपना पोकेमोन्स की दुनिया का वर्ल्ड।
भाई एकदम तगड़ा सा, बहुत ही सुंदर दिख रहा है। और वहां पे एक पोकेमोन कई आते ही मेरे को अपना पहला पोकेमोन दिख चुका है, पर इसका लेवल भयंकर, इसका लेवल तो मेरे को बहुत ज्यादा है। ये मेरे को क्या देख रहा है, मारने ना आ जाएगा ये, रुक जाओ। मैं थोड़ा तो दूर ही रहता हूँ भाई। ये इसके नाम के आगे देख रहा है ऐसा वो गुस्सा वाला साइन बना है। ये मारने तो नहीं आ रहा है ना अभी, नहीं जा रहा है ये, नहीं मार आ रहा है ये, इधर को ही आ रहा है। रुक जाओ, ये मेरे को मारने आ रहा है शायद। गाइस वेट वेट, ये मेरे को मारने आ रहा है, यहाँ छुप जाता हूँ मैं। रुक जाओ, देखे ना बस मैं उसको भाई, मारने आ रहा था वो। रुक जाओ देख, अभी अभी भी आ रहा है। नहीं है, कोई अटैक तो नहीं कर रहा है फिलहाल के लिए, शायद मारने नहीं आ रहा है। अच्छा, जो इसके नाम के आगे जो ऐसा बना है ना साइन, वो शायद इसका गुस्से वाला साइन है। पास आ रहा है ऐसा लग रहा है, मार देगा अभी मेरे को। और यहाँ पे एक आंटी जी है, इनसे बोल दो आंटी जी बचाओ मेरे को, वो मारने आ रहा है। आंटी आंटी दीदी दीदी बचाओ ना, वो मारने आ रहा है। रुको मैं यहाँ से छुप जाता हूँ, उसको देखूंगा नहीं मैं, और यहाँ से पिछले भाग जाता हूँ भाई। अगर उसने देख लिया ना ऐसा मारेगा ना मेरे को, एक तो लेवल भी उसका मेरे से बहुत ज्यादा है। हाँ, वो दूसरी साइड चले गया और हम भाग अब यहीं पर ही रहते हैं। और ये एक बड़ा सा ईगल का स्टैचू है, ये शायद फास्ट ट्रेवल है। और हाँ, अनलॉक द फास्ट ट्रेवल हो गया, मतलब ये एक फास्ट ट्रेवल ही था। और इसके अंदर होगा ये मेरा पूरा मैप, और अभी तो फिलहाल मेरा थोड़ा सा मैप खुला है, तो बाद में हम इसको पूरा खोल देंगे, जिससे कि हमको सारे पोकेमोन जो भी बॉस पोकेमोन होंगे वो सारे दिख जाएंगे किस किस लोकेशन में है। और अभी मैं यहाँ से नीचे कूदता हूँ। अरे डर लग रही गाइस, डैमेज पड़ेगा। अरे रुक गया, चढ़ गया चढ़ गया, आराम से बस। हाँ चल, ये वुड है इसको उठाते हैं, और ये स्टोन है, और इसको। और भाई हमारा लेवल अप हो चुका है, हम सेकंड लेवल के हो चुके हैं। और ये स्टोन को तोड़ तोड़ नहीं सकता क्या मैं? वो स्टोन नहीं तोड़ पा रहा हूँ गाइस मैं। चलो पहले वुड तोड़ लेता हूँ, इसके बाद वुड के बाद हम अपने लिए एक, मतलब इस गेम में क्या होता है, एक क्राफ्टिंग टेबल होती है, उसको हम प्रिमिटिव वर्कबेंच कहते हैं, तो वो बनाएंगे हम पहले। तो पर फिलहाल हमको सबसे पहले थोड़ा सा वुड चाहिए होगा, तो जल्दी से मैं थोड़ा सा वुड तोड़ता हूँ। गाइज मैंने यहाँ पे एक चीज नोटिस की, क्योंकि मैंने थोड़ा सा ही वुड माइन करा और मेरा स्टेमिना है, जो ये लाल कलर की लाइन हो रही है, ये पूरा खत्म हो गया था। मतलब इस गेम में मेरा स्टेमिना भी बहुत जल्दी जल्दी खत्म होता है, पर मेरे पास अभी वुड और स्टोन तो हो गया, और यहाँ पे थोड़ा सा स्टोन और पड़ा है, तो इसको भी उठा लेते हैं और यहाँ कुछ चलते हैं और देखते हैं, थोड़ा सा स्टोन माइन करते हैं। और गाइज मैंने यहाँ पे पहले वुड उठा लिया, और आप नीचे देखो गाइज यहाँ पे इतने सारे क्यूट क्यूट से पोकेमोन है गाइज। ये दो पोकेमोन को मैं जानता हूँ गाइज, जब मैं अभी स्टार्टिंग में वर्ल्ड में आया था, ये लोग मेरे को ऊपर से घूर रहे थे गाइज, मैंने देखा था। और अब मैं क्या करने वाला हूँ, इन्हीं को मारने वाला हूँ गाइज। मेरे को पता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, पर मेरे को मन कर रहा है इनको मारने का, बिकॉज मैं सोच रहा हूँ मैं अभी इस वर्ल्ड में कितना पावरफुल हूँ वो चेक करना है मेरे को। तो मैंने ब्राइटनेस अपनी थोड़ी सी कम कर लिया है, पर ब्राइटनेस मेरे को नॉर्मल ही लग रही जितनी पहले थी, तो मैं अब पहले इस पे वार करने वाला हूँ। या फिर मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा है, पर कोई नहीं, चलो चढ़ के आगे जीता है। चलो जल्द से इसको मारते हैं, और इसने भी डैमेज दिया गाइज, देख लो सही डैमेज दे दिया इसने मेरे को। और अरे इसमें साथी भी मिलके मार रहे हैं मेरे को, पर चलो कोई नहीं, मैं हूँ एक 1v9 आर्मी, और इन सबको एक एक करके मार दूंगा मैं। और ये भी आता है उसको वाली को तो मार दिया मैंने, और पर मेरा लेवल अप नहीं हुआ, मेरे को कुछ मीट और वो मिल गया। और ये मर जा, और अरे मरी नहीं, एक शॉट की ये लो, चलो एक शॉट की ये थी, और इसको भी मार दिया। और मुर्गी तू भी आ जा, तुझे भी नहीं छोड़ूंगा मैं, तुझे भी मारूंगा, रुक जा तेरे को तो आ, अभी मार के दिखा दे मेरे को जरा, अब तू भी आ जाइए, गुस्सा हो गई, रुक जाओ इस साइड, ये करो डॉच कर लिया मैंने, और अब इसको इसको भी मार दूंगा मैं, सबको मार दूंगा यार। अरे रेजिस्टेंट डैमेज दे दिया, चलो कोई नहीं, थोड़ा सा डैमेज दिया, पर मैं इसको पूरा मार दूंगा। और जल्दी ये मर क्यों नहीं दिए, मरना जल्दी जल्दी। ओके गाइस हमारा लेवल अप हो चुका है यहाँ पे लेवल 3 पे, और यहाँ पे दो लैम बॉल यहाँ से भाग गिरे हैं। तो अरे तुम लोग भी, तुमसे ही लड़ाई कर लेता हूँ भाई, भाग कहाँ रहे हो, मैं क्या छोड़ने वाला नहीं हूँ ऐसी। तो जल्दी से इसको भी हम पूरा फिनिश कर देते हैं। और तू क्या अपने भाई को इग्नोर मार रही थी क्या? अरे अब जाके गुस्सा हो रहा है, इसमें डैमेज आ रहा, इसमें डैमेज आ रहा, मेरी हेल्थ कम हो चुकी है बहुत, पर कोई नहीं, मैं इसको पूरा खत्म कर दूंगा। और ये अरे रुक जाओ, स्टैमिना खत्म हो गया है, अभी ये मारेगी, रुक जाओ, ये हल्का सा, अरे अरे गाइस मैं कुछ और ही करना सोचा था, मैं सोचा था ये उड़ गया, रोल होता है और मैं इसके ऊपर से कूद जाऊंगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। पर अभी मैं क्या करता हूँ, जो भी गिरी हुई लकड़ियाँ और पत्थर है, इन सबको पहले उठाता हूँ और अपने लिए एक प्रिमिटिव वर्क बेंच बनाता हूँ। और चलो जल्दी से ऊपर चलते हैं।
ऑब्वियसली गाइस प्रिमिटिव वर्कबेंच तो मेरी वुड से बनेगी, तो और वुड मेरे पास सफिशिएंट हो चुका है क्योंकि जितना भी गिरा हुआ वुड था मैंने वो सारा उठा लिया है। और यहाँ पे बी दबाने से कह रहा था, और बी से यहाँ पे ये देख लो प्रिमिटिव वर्कबेंच आ चुकी है। और अगर मेरे को कहीं पर क्लिक करना पड़ेगा शायद, इसको यहाँ अच्छे से लगाता हूँ ना दीवार से, नहीं यहाँ पे। चलो अब इसमें F2, अच्छा F से हम बिल्ड कर सकते हैं। और ये भाई हथौड़ी से ठक ठक मार के बिल्ड कर रहा है और ये बिल्ड हो चुका है। और F से हम अपनी रेसिपी मतलब जो सामान बनाना है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और अभी मेरे को ये सब नहीं बनाना है। और ये क्या है, ये डंडा है। मैं सोचा था पहले पिकेक्स बनाऊंगा उसके बाद बनाऊंगा, पर मेरे को यहाँ पे एक डंडा मिल चुका है। अब इसको ले जाता हूँ और इससे पोकेमोन्स का हेडशॉट बजाऊंगा, फिर उनको पकड़ लूंगा गाइज। और अभी मेरे को बनानी है पिकेक्स, और पिकेक्स मेरे पास एक स्टोन नहीं, बस एक स्टोन नहीं। जल्दी से एक स्टोन लाता हूँ और यहीं पर ही कहीं पर पड़ा होगा। और देखा मैं बोल रहा था गाइस यहीं पर ही कहीं पर स्टोन पड़ा होगा, मिल गया मेरे को स्टोन, दो स्टोन मिल गए हैं। और जल्दी से चलते हैं और जल्दी से अपने लिए पिकेक्स बना लेते हैं और फिर उसके और स्टोन तोड़ लेंगे। चलो अपनी पिकेक्स रेडी हो चुकी है और जल्दी से चलते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा स्टोन और माइन करके आता हूं क्योंकि मेरे को स्टोन की एक्स भी बनानी है। और ये अरे ये तो वही लैंप बॉल है जिसको मैंने अभी मारा था गाइस, ये तो फुटबॉल बन चुकी है। देखो भाई रोनाल्डो बन चुका हूँ मैं एकदम तगड़ा वाला, और अभी गोल करने वाला हूँ मैं। देखो देखो देखो, और ये गोल कर दिया मैंने भाई, रोनाल्डो तो बन गया मैं एकदम भाई, पैर वर्ल्ड में रोनाल्डो बन चुका हूँ मैं भाई, गोल कर दिया भाई। पर बुरा कर मैंने उसको मार के उसका फुटबॉल बना दिया भाई, सुनने में फनी लग रहा है पर चलो कोई नहीं, मार तो दिया ये मैंने। पर अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले थोड़ा सा स्टोन ले लेंगे यहाँ से। और गाइस पिकेक्स इतनी जल्दी जल्दी स्टोन माइन हो रहा है, पर जो मेरा स्टैमिना है वो बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म भी हो रहा है। पर अभी मेरे पास 16 स्टोन आ चुके हैं जो कि सफिशियंट है। और ये वाले स्टोन का मैं नहीं, अच्छा गाइस मैं एक चीज़ समझ गया, जो ये स्टोन के आर पार ऐसे वाइट लाइन आ रही है ना, मैं उन्हीं स्टोन को तोड़ सकता हूँ। और जिन स्टोन्स के आगे ऐसे ये वाइट लाइन नहीं आ रही मैं उन स्टोन्स को नहीं तोड़ सकता हूँ। मतलब अभी मैं स्टार्टिंग में ये कोई से भी स्टोन पे हाथ मार रहा था, मेरे को लगा टूट जाएगा, पर ये नहीं टूट रहा है। तो और हम अच्छा गाइस जो ये ट्रीज है, ट्रीज में वाइट लाइन नहीं आ रही, ट्रीज मतलब हम कोई से भी ट्रीज तोड़ सकते हैं। तो जल्दी से थोड़े से ट्रीज में ले जाते हैं यहाँ से, फिर उसके बाद एक ले स्टोन की एक्स बनाते हैं। और मैं यहाँ ऊपर आ चुका हूँ। और गाइस मैंने स्टार्टिंग में एक चीज नोटिस करती करके, यहाँ पे एक दीदी बैठी है। और गाइस ये क्या सही तरीके से मतलब एक तगड़े एटीट्यूड के साथ यहाँ पे बैठी है, बस आग सेक रही है। और यहाँ पे F2 टॉक आ रहा है, तो मैं F दबा के देखता हूँ ये क्या बात करती है। और कास्ट वे बीइंग अ वाइल्ड सिंस, पता नहीं क्या क्या गाइस, ये इंग्लिश बहुत झाड़ते हैं यहाँ के लोग, रुक जाओ इसकी पूरी बातें ना मैं ऐसे नेक्स्ट कर देता हूँ, बस इसको लगेगा मैंने इसकी बातें सुन ली। और अच्छा गाइस इसने मेरे को 10 वुड दे दिए, और ये दीदी फिर से अपने तरीके में बैठ गई। भाई मेरे को भी ऐसे बैठना है भाई, मेरे को भी ऐसे बैठना है, मेरे कैसे बैठूं भाई, रुक जाओ मैं अपने सारे कीबोर्ड के ना बटन दबा के देखता हूँ, कोई तो होगा जिससे मैं ऐसे बैठ सकूं। पर ये ई दबाने से क्या हो रहा है, अच्छा ई दबाने से मैं अपने पोकेमोन्स फेंक सकता हूँ, एक चीज़ नहीं पता चल गई। और ये टी दबाने से यहाँ पे कुछ खुल गया है, और ये चीज़ कुछ टेक्नोलॉजी पॉइंट है। तो मैं क्या करता हूँ ना, ये सब कुछ खोल देता हूँ। ये पैल्सवेयर को तो पता है मेरे को, ये पैल्सवेयर क्या है, पैल्सवेयर इस गेम की पोकेबॉल्स है। जैसे कि पोकेमोन में क्या होता है, पोकेबॉल मार के ना पोकेमोन्स को पकड़ते, तभी इसी गेम में इसमें क्या होता है, पैल्सवेयर फेंक के हम पोकेमोन पकड़ सकते हैं। तो पर अभी हम अपने ये सारे टेक्नोलॉजी पॉइंट से जो भी खुल रहा है वो सब खोल देते हैं। और जल्दी से मैं सारे बटन क्लिक क्लिक करके देखता हूँ कोई बटन है कि इनकी तरफ बैठ सकूँ मैं। चलो 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 देखते हैं। और ओके ये मैंने एक चीज़ क्लिक करी, फोर मैंने दबाया, और यहाँ पे कमांड अटैक और इमोट्स करके कुछ आ रहा है। इमोट्स में जाके यहाँ पे बहुत सारे इमोट्स है, शायद इसमें सिट ऑन ग्राउंड। ओके गाइस हमने यहाँ पे एक चीज देख ली करके हम इन दीदी की तरह कैसे बैठ सकते हैं। और बताओ दीदी अब आपके तरह बैठ गया हूँ मैं, अब क्या करोगे आपके सारे भाई, मतलब मैं टोटली बताऊँ मैं अब मैं भी एटीट्यूड की तरह बैठ सकता हूँ। रुक जाओ जस्ट इनके बगल में ना, इनके बगल में आग सेकते हुए बैठ जाते हैं हम भी। और बताओ चलो बताओ क्या हाल चाल है, ऐसे करके बातें करेंगे बस। फिर भाई F2 टॉक करने से नहीं खड़े हो जाएंगे हम, ऑब्वियसली मेरे को ये तो पता है। पर यहाँ पे बहुत सारे इमोट हैं और स्लीपिंग इमोट भी है गाइस, मतलब मैं यहाँ पे सो गया हूँ दिन में भाई, वो बुलबुले भी निकल रहे हैं। और डांस का इमोट भाई, क्या डांस कर रही है, ऐसा डांस मेरे को रियल लाइफ में भी नहीं आता। एक हाथ में भाई घिर्री बन गया ये तो, पर कोई नहीं अभी हम चलते हैं भाई।
थैंक यू दीदी, आपके वजह से बहुत सारी इमोट देख ली हमने, पर अभी हम क्या करना है, हमको अपने लिए एक एक्स बनानी है, तो जल्दी से अपने लिए एक एक्स भी क्रिएट कर लेते हैं और उसके बाद थोड़ा सा वुड माइन करने चलेंगे। उसके और मेरे को ना इस गेम में वो भी बनानी, क्या कहते हैं उसको, पैस प्लेयर, जिसको हम पोके बॉल कहते हैं। और यहाँ से जल्दी से नीचे पे चलते हैं और यहाँ पे एक पोके मॉल है जो जमीन के अंदर घुस गया है। इसको मार भी नहीं पा रहा हूँ, रुको मैं सी दबा के ना क्राउच, अभी भी नहीं मार पा रहा हूँ गाइस। अच्छा ये खिसक रही है, रुक जाओ इसको बाहर निकाल। अच्छा ये अंदर ही घुस गई गई, मतलब भाई वो जमीन के अंदर कैसे घुस गई, पर कोई नहीं, अगर वो घुस गई है तो मेरे को क्या करना, मैं जल्दी से मेरे थोड़ा सा वुड तोड़ लेता हूँ यहाँ से। चलो जल्दी से तोड़ लेते हैं। और ओके आपने ये मतलब ये टेक्सचर देखा, मतलब टेक्सचर जो भी, मतलब ग्राफिक्स जो भी कहो आप, पर किस सही तरीके से वो कहते हैं ट्री गिरा और ये लैम्प बॉल अभी भी उसी के अंदर फंसा हुआ है। पर गाइस मैं तो उस चीज़ से शौक हूँ, कितना सही तरीके से वो ट्री टूटा, मतलब एकदम सारे पार्टिकल नीचे को गिरे और ट्री टूट गया और मेरे को थोड़ा बहुत और वो मिल गया, क्या वुड मिल गया। और मेरे को ना ये लैम्प बॉल है जो जमीन के अंदर घुसा हुआ है, इसको निकालने का बहुत मन है पर मैं निकाल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको पाँव से धक्का दे रहा हूँ तो ये अंदर ही फंस जा रही है। पर अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले थोड़ा सा ना यहाँ से स्टोन तोड़ लेंगे, उसके बाद देखेंगे वो लैम्प बॉल। कई पीछे से ऐसे आवाज़ आई, मेरे को लगा कहीं और से आई, पर वहीं वो जो लैम्प बॉल जमीन के अंदर फंसा है उसी में से वो आवाज़ आ रही थी। और मेरे को यहाँ पे लैम्प बॉल का मीट मिल चुका है, तो मैंने लैम्प बॉल का मीट खा लिया है। और ओके गाइस मैंने ये चीज़ चेक करी अभी, करके मैं कंट्रोल दबा के ऐसे डॉच कर सकता हूँ भाई। अब तो मैं ऐसी ऐसी चलूंगा, ये तेज चल रहा है पर मेरा स्टेमिना जल्दी खत्म हो जा रहा है, ऐसे मेरा स्टेमिना जल्दी खत्म हो रहा है, पर मैं जल्दी जल्दी डॉज भी कर पा रहा हूँ। पर सबसे पहले अभी हम क्या करते हैं, हम अपने लिए थोड़ा सा स्टोन माइन कर लेते हैं। चलो जल्दी से थोड़ा स्टोन माइन करते हैं। और गाइस बगल में मैंने नोटिस किया वो लैम्प बॉल बाहर निकल गया, पर उसका पहले से फुटबॉल बना हुआ है, शायद से वो वही लैम्प बॉल है जिसको मैंने नीचे फेंका था, वो जमीन के अंदर घुस गया क्या। रुक जाओ देख कर आता हूँ, नीचे खाई में कुछ है तो नहीं लग तो नहीं रहा ये वहां से वापस आ पाएगी, पता नहीं ये कोई दूसरी लग रही है मेरे को लैम्प बॉल जो जमीन के अंदर धस गई थी और उसके बाद उसका फुटबॉल बन गया। और गाइस जैसे कि मेरे को लगता है इसमें गाइस मेरे को एक चीज लगती थी करके, इस गेम में फॉल डैमेज नहीं पड़ता क्योंकि मैं जो वहां ऊपर से कूदा था वहां से मेरे को फॉल डैमेज नहीं पड़ा था, पर इसमें उतनी ऊंचाई से नहीं, ज्यादा ऊंचाई से फॉल डैमेज पड़ता है। और ओके देखो यहाँ से फॉल डैमेज नहीं पड़ा, और यहाँ पे एक मुर्गी है, मतलब दो मुर्गी हैं, तो मैं फिलहाल के इनको तो नहीं पकड़ना चाहूंगा। और ये चमकीला पत्थर तोड़ते हैं और ये है पैल्डियम फ्रेगमेंट। अच्छा गाइस ये वही पत्थर है जिससे हम अपने पोके बॉल्स बना सकते हैं इस गेम में, तो जल्द से मैं थोड़ा सा इसको भी तोड़ देता हूँ। मैंने पूरा तोड़ दिया है और मेरे को मिल गए हैं टोटल 5 पैल्डियम फ्रेगमेंट्स, मतलब मैं अपने लिए वो बना सकता हूँ, पोके बॉल्स बना सकता हूँ। और यहाँ पे एक चमकीली चीज़ है ग्रीन कलर की, इसको कहते हैं पिकअप, अच्छा मैं कह रहा इसको पिकअप खरीदना कहते होंगे, पिकअप कर लिया। और ये है लिपमंक एफ ई जी। ओके गाइज इसका मेरे को नहीं पता क्या यूज़ है, पर बाद में देखेंगे इसका क्या यूज़ है, पर अभी फिलहाल क्या हम ऊपर वापस चलते हैं और ये चमकीला पत्थर भी तोड़ के ले जाते हैं पहले। चलो मैं यहाँ से वापस आ चुका हूँ और यहाँ पे जल्दी से इस दीवार को चढ़ते हैं और मेरी क्राफ्टिंग टेबल कहाँ है, और ये भी मेरी क्राफ्टिंग टेबल, और बना लेते हैं अपने थोड़ी सी पोकेबॉल जिसको हम कहते हैं पेल्सफेयर, और 9 पोकेबॉल बना सकता हूँ मैं, तो जल्दी से इनको सबको क्राफ्ट करते हैं, उसके बाद थोड़े से पोकेमॉन्स पकड़ने चलते हैं। अपने 7 पोकेबॉल्स बन चुकी है और जल्दी चलते हैं अब थोड़े से पोकेमॉन्स पकड़ने। यहाँ नीचे को थोड़े बहुत पोकेमॉन हो सकते हैं क्योंकि मैंने दूसरी साइड से तो सारे पोकेमॉन्स को मार दिया है, और यहाँ पे थोड़ी बहुत ऐसे लकड़ियाँ पड़ी है तो मैं इनको भी ऐसे चलते चलते उठा लूँगा। और यहाँ पे एक मुर्गी मिली है मेरे को और ये चिकी पे है, पर मैंने इसको पहले मार दिया, इसका मतलब ये थोड़ी कमज़ोर सी है तो मैं इसको नहीं पकड़ने वाला हूँ। और यहाँ पे बेरीज है तो मैं इन सबको भी उठा लेता हूँ क्योंकि ये इनको मैं बाद में खा सकूँगा और जो मेरा हंगर बार है वो जल्दी ख़त्म नहीं होगा, तो मैं जल्दी से सारी बेरीज उठा लेता हूँ यहाँ से। और यहाँ पे पैल्डियम फ्रेगमेंट भी है गाइस जिससे मैं अपने लिए पोकेबॉल्स बना सकता हूँ, तो मैंने वो भी उठा लिया और थोड़ा स्टोन बना लिए, मतलब उठा लिए, और मेरा लेवल अप हो चुका है गाइस। मतलब मैं अभी स्टार्टिंग में मेरा लेवल अप बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, मतलब थोड़ी बहुत चीज़ें उठा रहा हूँ मैं नीचे पड़ी हुई तो उसको पकड़ने से मेरा लेवल अप हो जा रहा है। पर अभी मेरा मन कर रहा है मैं ये चिकी बी को पकड़ लूँ, और आ जाओ चल मैं तेरे को पकड़ने वाला हूँ और जल्दी से गाइस इसको पूरा मार दूँगा, और पूरा नहीं मारना, और ओके 100% चांस है, आ जाए बस आ जाए और आ
आगे हमको एक 3 लेवल की चिकी भी मिल चुकी है, मतलब मुर्गी मिल चुकी है। अब इसको अपने बेसिक काम करेंगे गाइस, मजा आएगा। चलो पर अभी हम क्या करते हैं, अभी थोड़ा सा नीचे और चलते हैं। मैं इसके सोच रहा हूँ ना गाइस, मैं ना इस मतलब अभी के लिए फिलहाल के लिए मैं उतने लेवल के पोकेमॉन्स पकड़ूंगा जितना लेवल मेरे, मान लो मेरा लेवल 4 है तो मैं अपने मतलब 4 या 3 लेवल के पोकेमॉन्स पकड़ूंगा। जैसे कि कैटीवा का लेवल 3 है तो मैं इसको पकड़ता हूँ जल्दी से। ये मेरे को उंगली दिखाई अगर कह रही रुक जा तेरे को तो रुक जाओ, पकड़ने दो इसको और ये पोकेबॉल एंग्री फेंकी और आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए और आ गई गाइस। गाइस और कैटीवा आ गई, पर ये क्यों मार रही है मेरे को, इसको गाइस पूरा ही मार दूंगा। ये नहीं चाहिए, ये डैमेज दिया इसने गाइस मेरे को बहुत है, इसको मार। अभी गाइस ये तो प्रो निकली, इसको ही पकड़ लेते हैं गाइस, प्रो है ये, मार रही है। मतलब उस वाली ने तो मारा ही नहीं, इसने तो बहुत मार दिया मेरे को। और गाइस तगड़ी ये चीज़ हो गई, वो मतलब मैंने एक ही बार में उस कैटीवा को पकड़ लिया, ऐसे मेरे को उंगली दिखा रही थी आ करके, पर मैंने उसको पकड़ लिया। और वहाँ पे गाइस इतना बड़ा हाथी है भाई, ग्रीन कलर का हाथी, मेरे को नीचे जाना है भाई, नीचे नीचे। डैमेज 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 पड़ गया, अरे मेरे को लग ही रहा था इतना ऊंचाई से कूदूंगा तो डैमेज पड़ेगा ही ना। पर यहाँ पे गिरी हुई पोके बॉल्स ही है, मतलब पोके बॉल गिरी हुई भी मिल जाती है, सही है। और ये लेवल को मारते हैं, इसका लेवल भी अच्छा खासा है और आ जा। चलो देखते गाइस ये भी आ जाए, फिंगर क्रॉस। और ये आ चुकी है गाइस, हमको एक लैंप बॉल भी मिल चुका है सेकंड लेवल का, पर दूसरे लेवल का पर कोई नहीं है, बाद में लेवल अप हो जाएगा। और गाइस ये हाथी को देखो भाई, इसके भी इस मुंह के आगे मतलब नाम के आगे ऐसा गुस्से वाला साइन बना है, ये भी बहुत मारता हो भाई। भाई रुक जाना मेरे को, मैं तेरे को पकड़ू क्या गाइस, पकड़ने का मन कर रहा है ये मुझे, पर इसका लेवल मेरे से 2 गुना 3 गुना 1000 गुना ज़्यादा है भाई। ये क्वेश्चन मारेगा तो नहीं ना बेमतलब का, रुक जाओ इस खेलता हूँ दोबारा, देखते हैं ये मारता है फालतू के लिए। ये तो कुछ नहीं कर रहा गाइस, पर मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे रात हो रही है और हो सकता है यहाँ पे रात को अलग अलग खतरनाक खतरनाक पोकेमॉन्स मिल जाए मेरे को, और जिनको मैं पकड़ लूँ तो मैं इस गेम का गॉड बन सकता हूँ। और वहाँ पे कुछ पर्पल कलर की चीज चमक रही है, तो अभी जाकर उसको भी चेकआउट करते हैं। यहाँ पे एक व्हाइट कलर की चीज भी चमक रही है तो इसको भी देखते हैं। और ओके पकड़ लिया। और गाइस रुको रुको रुको, एक चीज सुनो, रुको रुको भाई, मेरे को कहीं से कोई चमकने की आवाज आ रही है, रुको। ये कोई चमकने वाली चीज की मतलब कोई चीज शाइन कर रही है ऐसा लग रहा है, ऐसा तो नहीं जो ये ऊपर बक्सा है उस वो शाइन कर रहा है तभी, ऐसा तो नहीं उसमें सवाल आई। रुक जा चलता हूँ उसके पास और इसको खोल के देखते हैं, और अगर इसको खोलेंगे तो आवाज़ शायद से बंद हो जाएगी। और ये अभी अभी भी बंद नहीं हो रही गाइस, मतलब यहाँ पे कुछ तो ऐसा चमकीला है, ये और नहीं नहीं और से तो आवाज़ नहीं आएगी भाई, कुछ तो चमकीला है यहाँ पे, या तो कोई तगड़ा सा पोकेमॉन है जिसके अंदर से ये आवाज़ें आ रही है। मेरे को जल्दी से ढूंढना पड़ेगा वो क्या चीज़ है, जल्दी से देखता हूँ कहाँ पे है वो चीज़ मिल जाए बस। तो उसका अगर वो कोई पोकेमॉन होगा तगड़ा सा तो मैं क्या करूँगा उसको पकड़ लूँगा, अभी पकड़ लूँगा फिर मेरे पास एक तगड़ा पोकेमॉन आ जाएगा। पर ये जो डायनासोर वाला पोकेमॉन है ये तो नहीं होता क्योंकि ये चमक नहीं रहा है। जल्दी से ढूंढता हूँ गाइस कहाँ पे ये चीज चमक रही है। और गाइस अब वो सामने देखो ये कुछ चमक रहा है यहाँ पे, मतलब येलो येलो कुछ चमक रहा है जमीन के अंदर से, जमीन के अंदर से नहीं नहीं रुको भाई, जमीन के अंदर एक पोकेमोन है गाइस, और शायद से ये मुर्गी है एक, और इसका साइज गाइस देख रहे हो नॉर्मल मुर्गी से कितना ज्यादा बड़ा, और मैं इसको हिट भी नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ये जमीन के अंदर है ना, तभी मैं इसको हिट नहीं कर पा रहा हूँ। रुक जाओ मैं क्या करूँ, मेरे को ये पकड़नी है गाइस, इतनी बड़ी साइज की और ये चमक भी रही है, मेरे को चमकीला पोकेमॉन चाहिए गाइस, एक ना एक तो चमकीला पोकेमॉन चाहिए, तो इसका मेरे पास भी एक लेजेंडरी पोकेमॉन हो जाएगा। रुक जाओ मैं क्या करता हूँ ना, इसके ऊपर बॉल फेंक के देखता हूँ ये आती है और नहीं गाइस ये आने दी, गुस्सा हो गई मेरे ऊपर, रुक जाओ ये गुस्सा हो गई मेरे ऊपर, और पर ये अंदर है और ये वहाँ से मार नहीं पाएगी मेरे को, और मेरे को यहाँ अंधेरे में ठंडा लगना शुरू हो चुका है। और अच्छा गाइस ये छोटी वाली भी उसी की प्रजाति है ना, तभी ये मेरे को मारने के लिए आ रही है, पर ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती बिकॉज मेरे पास भी एक तगड़ी सी चिकी भी है और जो इसका लेवल इससे बहुत ज़्यादा है। तो मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे सबसे पहले एक क्राफ्टिंग टेबल बिल्ड कर लेता हूँ, बिकॉज मेरे को इसके अंदर से एक बनानी पड़ेगी टॉर्च, क्योंकि अगर मैं रात को टॉर्च पकड़ूंगा तो शायद से मेरे को डैमेज नहीं पड़ेगा, तो मैं जल्द से क्या टॉर्च पकड़ लेता हूँ। और गाइस आप बैकग्राउंड में म्यूजिक सुनो कितना सही आ रहा है बैकग्राउंड में म्यूजिक, रुक जाओ मैं इसके पास जाता हूँ और इसको मारता हूँ। और ये देखो भाई इतनी बड़ी चिकी भी है ये, मतलब इतनी ये क्या हो रहा है, ये कौन मार रहा है,
भाई ये क्या मारा मेरे को? किसने मारा? ये चिकी ने मारा क्या? रुक जाओ, मैं इसके ऊपर एक और कैडीवा को भेज दो। कैडीवा नाखून मार इसके। कैडीवा को भेज दिया मैंने, पर कैडीवा भाई उसको मार नहीं पा रही है। मतलब वो, मतलब जो चिकपी है बड़ी वाली, वो उसका धक्का दे रही है। उठो, मैं एक फुटबॉल फेंकता हूँ और देखते हैं ये ऐसे आती है कि नहीं। मेरे को लग रहा है नहीं आएगी ये, और 55%। रुक जाओ गाइस, 100% गाइस, हमको एक बड़ी साइज की चिकपी मिल चुकी है। गाइस मेरा लेवल अब भी हो चुका है, लेवल 5 हो चुका है। भाई इतनी बड़ी चिकपी मैंने एक ही बार में बिना डैमेज दिए पकड़ ली। भाई रुक जाओ, मैं नीचे चलता हूँ यहाँ और क्राफ्टिंग टेबल खोलते हैं अपना, और थोड़ी से पोके बॉल्स ना हम और बना लेते हैं। रुक जाओ, मैं बना नहीं पा रहा हूँ, मेरे पास क्या कम हो रहा है? अच्छा शायद से स्टोन कमी हो रही है, तो स्टोन जल्दी से तोड़ लेता हूँ क्योंकि मेरे को डैमेज पड़ना शुरू हो गया है। इसमें टॉर्च नहीं पकड़ रहा हूँ ना मैं रात को, तो मेरे को डैमेज पड़ना शुरू हो जा रहा है। मतलब इसमें को क्लोज भी बनाने पड़ेंगे, तो कोई पोके मॉल को भेजता हूँ। ये देखो भाई, ये रही मेरी सबसे बड़ी वाली चिकपी। भाई कितनी सही लग रही है ये, मतलब मेरे साइज की है। और कहीं आप देख रहे हो जहाँ को मैं जा रहा हूँ ये वहीं को जा रही है। मैं जंप कर रहा हूँ तो मैं ये भी जंप कर रही है, ये मैं जंप तो ये भी जंप कर रही है गाइस। मतलब ये पूरा कॉपी कर रही है मेरे को। और अभी अभी मैं बस 2 पोके और बना सकता हूँ, और ये काम क्यों नहीं कर रही मेरा? रुक जाओ, इसको मैं यहाँ पे काम के लिए कैडीवा को भेजता हूँ। कैडीवा काम करेगी ना? हाँ ये काम कर रही है गाइस, अपने पोकेबॉल ये बना रही है। तो जल्दी से इसको बनाने देते हैं और देखते हैं उसके बाद मैं और पोकेबॉल्स क्यों नहीं बना पा रहा हूँ। रुक जाओ गाइस, चलो देखते हैं अभी। और रुक जाओ, मैंने बगल में एक चीज देखी, और गाइस आप साइड में देख पा रहे हो यहाँ पे एक अलग ही टाइप का पोकेमॉन है भाई। क्या नाम है इसका? गूमॉस। कोई नहीं गाइस, हम एक को तो पकड़ेंगे भाई, इनमें से एक को तो पकड़ेंगे भाई। ये इसको आग लग गई है। अब मैं अपनी बड़ी वाली चिकी भी भेज देता हूँ। चिकी मार इसे भाई। ओके, चिकी भी ने ऐसे स्लाइड करते हुए मारा इसे, और इसको भी आग भी लग चुकी है क्योंकि मैंने इसको अपने टॉर्च से मारा। और ये मेरे ऊपर कुछ क्या मतलब वो फेंक रहा है, मिट्टी फेंक रहा है मेरे ऊपर, और इसने चिकी भी ने बहुत डैमेज कर दिया। और पोकेबॉल फेंकते हैं, और 76% चांस है, और 79% 90% और 99% गाइस हमको एक गूम ऑफ पोकेमोन भी मिल चुका है। मतलब ये उतना तगड़ा मेरे को लग नहीं रहा है नाम के हिसाब से, पर कोई नहीं, मैंने पकड़ लिया है। और जल्दी से थोड़ा सा ना स्टोन भी, मतलब स्टोन कह रहा मैं, थोड़ा सा वुड तोड़ लेते हैं क्योंकि मेरे पास वुड की कमी हो रही है। और पर डैमेज भी पड़ रहा है मेरे को रात में। और ग्राफिक्स भाई बहुत तगड़े हैं इस गेम के, ग्राफिक्स बहुत ज़्यादा तगड़े हैं। और मेरे पास बेरीज है, तो मेरे को भूख लग रही, तो मैं खा लेता हूँ बेरीज। और अपने पोकेमोन, मेरे पोकेमोन सारे फुल है, मतलब मेरे पोकेमोन को भूख नहीं लग रही है। अभी मैं क्या करता हूँ, थोड़े से और मतलब जितने मैक्स पोकेबॉल मैं बना सकता हूँ ना, उतने पोकेबॉल बनाऊंगा। तो सबसे पहले सारा सामान उठा लेते हैं पोकेबॉल्स बनाने के लिए। गाइस यहाँ पे मैं अच्छा खासा ना अपने पोकेबॉल्स बनाना चाह रहा था, पर ये पेंगुलेट से पेंगुलेट दिख गया मेरे को, तो मैं इन्हें इसके साथ लड़ाई छेड़ ली। अब मैं इसको पकड़ूंगा, उसके बाद ही यहाँ जाऊँगा। ये चिकी भी हटना सामने से, रुक जाओ। अब ओके गाइस, ये चिकी पी का, मेरी चिकी पी का सबसे डेंजरस वाला अटैक। अच्छा ये आके बोले हवा में रुक गए। अब मैं इस पेंगुलेट को पकड़ लेता हूँ भाई, और 53% चांस है, देखते हैं आता है। 77 नहीं आया गाइस, थोड़ा सा डैमेज और देना पड़ेगा। मैं दूंगा इसको, रुक जाओ, डॉच करते हैं। अभी ये मार नहीं पाएगा क्योंकि पत्थर में आ गया हूँ मैं, और इसको एक दो शॉट और मारता हूँ और इसको कैप्चर आ जा। चलो भाई देखते हैं अभी फिर से आता है कि नहीं। 50% नहीं आ रहा गाइस, ये पोकेबॉल्स वेस्ट करा रहा है कि तगड़ा पोकेमॉन है कि इतना। रुक जाओ, मैं डॉच कर सकता हूँ गाइस, तगड़ा वाला। रुक जाओ, इसको मारता हूँ, एक दो दो, चलो मैंने 2 शॉट आउट मारे और कैप्चर हो जाए बस। 59 81% और 100% गाइस हमने एक पेंगुलेट भी पकड़ लिया। और यहाँ पे डे ड्रीम भी है, तो इसको भी पकड़ लेते हैं। चलो गाइस ये आने वाली है, और ये डे ड्रीम आने वाला है मेरे पास, और 90 100% चांस, और एक और डे ड्रीम आ चुका है हमारे पास। ये इसमें क्या तरीके है? और ये चिकी भी गुस्सा हो गई, तो मैं पहले इसको मारता हूँ, ये दूसरी वाली डे ड्रीम को भी चल से पकड़ लेते हैं। हियर वी गो गाइस, हमारी दूसरी वाली डे ड्रीम भी हमको मिलने वाली है, और 100% चांस। ओके, हमने 2 ड्रीम डे ड्रीम पकड़ ली है, तो ये चिकी भी को अब मार देते हैं, परेशान कर रही थी मैच के बीच में। चलो गाइस, मेरे पास बहुत सारे टेक्नोलॉजी पॉइंट्स हो गए हैं, टोटल 18 टेक्नोलॉजी पॉइंट्स हो गए हैं। तो मैं इसमें अपना ना जो जो मेन सामान है मेरा, जैसे कि ये शील्ड, क्लोथ्स, ये हथियार वथियार, इन सबको ना खोल लेता हूँ। फिर उसका अगर मेरे पास इनका सामान हो जाएगा, तो मैं इनको क्राफ्ट भी कर लूँगा।
यहाँ पे एक और डे ड्रीम परेशान करी तो इसको पकड़ लेता हूँ मैं। ऑब्वियसली गाइस मेरे को जहां तक उतना ही आ जाएगी, पर फिर भी इमरजेंसी के लिए पैसे बनाने से नहीं गाइस आ गई है। मतलब पहली बार में ये वाला डे ड्रीम आ गया मेरा, मतलब आ गया जो भी था ये। तो मैं अब क्या करता हूँ, थोड़े से पैसे बनाता हूँ ना, तो यहाँ से दूर चलेंगे और कहीं पर ना सोचेंगे अपना कोई तगड़ा सा बेस बना ले। और अगर मेरे को बीच में कोई अच्छे अच्छे मतलब फायर टाइप डार्क टाइप मतलब ऐसे तगड़े तगड़े पोकेमॉन्स मिलेंगे ना, तो मैं क्या करूँगा उनको भी बीच में कैप्चर कर लूंगा। गाइस यहाँ पे मेरे को कुछ फायर टाइप से पोकेमॉन मिले, मतलब ये बिल्ले हैं डॉगिया पता नहीं क्या, पर ये मेरी चिकी पे उनको मार ही नहीं रहे। मैं इसको उनके पास फेंक रहा हूँ फिर भी ये देखना मारेगी नहीं। और शायद से मेरे को इसको कमांड देना पड़ेगा अटैक करने के लिए, जो मैं रुक जाओ इसको कमांड देता हूँ और अब इसको उनके सामने फेंक देता हूँ। और ओके गाइस हमारी चिकी पे गुस्सा तो हो गया, अब शायद से ये इसको मारेगी। रुक जाओ वो आगे को भाग रहा है, मैं चिकी को वापस बुलाता हूँ और इसके मुंह के सामने फेंक देता हूँ और चिकी अटैक। ओके गाइस चिकी ने अटैक कर दिया है, तो इसका मतलब अब हम इसको पकड़ सकते हैं क्योंकि मेरी चिकी इससे ज्यादा पावरफुल है जहां तक मेरे को लगता है। तो जल्दी से इसको मार, और मैंने डॉज गया, नहीं नहीं मैंने डॉज नहीं किया, मेरे को पड़ गई, पर कोई नहीं अब इसको पकड़ लेते हैं और इसका ये हो गया। ओके ओके गाइस एक चीज सही हो गई करके ये मैं पोकेबॉल में आ गया, पर मेरे को आग लग गई है। जल्दी से इसको कैप्चर करते हैं और जल्दी से भागते हैं यहाँ से भाई, पानी में चलो जल्दी जल्दी पानी के अंदर। ओके भाई मेरे को आग लग गई थी गाइस अभी, रुक जाओ। और चिकी भी मेरे डेंजर पे कैसे आ गई, ऐसा क्या मार रहा है वो सामने वाला फायरफॉक्स फायर पार्क जो भी है गाइस, पर ये इतना तगड़ा कैसे मार रहा है। रुक जाओ वापस बुला दो चिकी भी को, और चिकी भी को आग लगी पड़ी है, इसको भी हम कैप्चर कर लेते हैं। चल आ जा बहुत तगड़ा खेल रहा है ना, रुक जाओ इसको भी कैप्चर कर लेंगे 78% 90% और 100% गाइस हमको एक फॉक्स पॉक्स पार्क जो भी है गाइस, ये आग वाला पोकेमोन मिल चुका है मेरे को। और अब यहाँ पे थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं और जल्द से जितने पोकेमोन हो सकते हैं उतने पोकेमोन मैं पकड़ता हूँ। और ये लिफमंक की एफिजी जो स्टार्टिंग में मैंने पकड़ी थी मतलब ली थी, वो एक और मिल गई तो मैंने ले ली। और चलो जल्दी से एक्सप्लोर करते हैं अपनी दुनिया को, भागो यहाँ से जल्दी भागो, ये लोग मार देंगे। गाइस गाइस कुछ नहीं हुआ यहाँ पे, पर मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने एक 11 लेवल के मेल पैकर से लड़ाई कर ली थी और उसने मेरे को बहुत मारा। गाइस मैं आपको कुछ नहीं बताने वाला मैं कि अभी क्या हुआ, पर उस वो भूल गई ना, हाँ वो उस साइड को जा रही ऐसे भूल गई अभी लड़ाई हुई थी हमारी। चलो कोई बात नहीं, अभी हम और पोकेमॉन्स पकड़ेंगे फिर उसके बाद उसी को उल्टा मारने जाएंगे। और चलते हैं अभी उल्टा वहीं को ही, क्योंकि मेरे को वहां को ना थोड़ी सी खुली जगह मिली थी, तो जल्दी से वहां पे चलते हैं और एक बेस बनाएंगे। चलो मैंने यहाँ पे एक टीफेंट को भी पकड़ लिया। ओके गाइस टीफेंट भी पकड़ लिया और यहाँ पे एक चेस्ट है, तो लाल कलर का चेस्ट है, तो इसको खोल के देखते क्या निकलता है इसमें। और खोला और मेरे को मिले कुछ पोकेबॉल्स और गोल्ड मिला, फालतू का सामान मिला। और वहां पे गई एक उड़ने वाला पोकेमॉन है, तो मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए गाइस। ये छोटी वाली चिकी भी भेजी है मैंने, क्योंकि मेरी जो बड़ी वाली चिकी है वो थोड़ी सी डैमेज है, मतलब उसका हेल्थ थोड़ा कम है, पर ये मेरे को क्यों मार रहा है। अच्छा रुक जाओ, हाँ ऐसे डॉच करूंगा तो ये मेरे को अब नहीं मार पाएगी जहाँ तक मेरे को लगता है। और ऐसे रुक जाओ मैं अभी मारने वाली, मेरे को मैं डॉच करूंगा अभी मारना डॉज। अब पोकेमॉन भेजता हूँ अपने, ये रही मेरी बड़ी वाली चिकी। अरे मारी से चिकी मार, चिकी जल्दी मार से। ये भी आ गई मेरी कैद में, हाँ मेरे को मार रही थी कैद में आ गई, अब बता अब क्या करेगी। गाइस यहाँ पे देख रहे हो ये जगह कितनी ज्यादा खुली है, मेरा मन कर रहा है ना मैं यहाँ पे बेस बना लूँ, पर अभी आगे भी देखेंगे और कैसी कैसी जगह है। मतलब ये छोटी लग रही है पर काफी है मेरा छोटा सा बेस बनने के लिए, बाद में पर फ्यूचर के लिए उतना ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा। पर यहाँ पे एक चेस्ट है तो मैं जल्दी से इसको खोलता हूँ और ना अब सीधा आपको एक जगह दिखाता हूँ जहाँ पे मैं अपना बेस बनाने वाला हूँ। चलो मैंने यहाँ पे एक ना क्वैक नाम का या क्वैक जो भी आप बोलो उस नाम का एक पोकेमॉन पकड़ लिया है, और इस वाले दूसरे वाले को भी मैं पकड़ लेता हूँ। मेरी डे ड्रीम मार इसे, अपना वो जो उड़ने वाला तो भेजती है उससे मार, और ये पड़ा इसे बुला लेता हूँ वापस और इसको भी कैप्चर। चलो ये भी आ जाएगी गाइस, ये ऑब्वियसली आ ही जाएगा, 86% चांस है, 94% चांस है और 100% चांस। जी जी गाइस चलो यहाँ से। चलो मैंने अपना एक बेस ही बना लिया और इसके अंदर देखो भाई मेरे पास इतने सारे अच्छे अच्छे से पोकेमॉन्स हो चुके हैं। और अब मैं क्या करने वाला हूँ, जितने भी इसमें मेरे तगड़े तगड़े पोकेमॉन है मैं उन सबको क्या करने वाला हूँ अपनी पैल टीम में रख लूंगा। और जैसे कि ये आपको स्पार्क दिख रहा है मैंने इसको भी कैप्चर कर लिया था, ये यहीं पर ही घूम रहा था, मैंने इसको पिकाचू बोल के पकड़ा था, पर मैंने कोई बात नहीं अब इसको पकड़ लिया है।
और अच्छी बात यही है। और अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे ना अपनी एक क्राफ्टिंग टेबल बनाने वाला हूँ। चलो वहाँ पे भी नहीं बना पा रहा हूँ मैं, यहाँ पे पता नहीं क्यों नहीं बना पा रहा हूँ मैं, पर क्या करते हैं ना, पीछे ही बना सकते हैं तो पीछे पे बना लेते हैं। और यहाँ पे ओके चलो जल्दी से अपनी क्राफ्टिंग टेबल भी यहाँ पे बना लेते हैं, क्योंकि मैं वापस इतनी दूर तो जाने वाला नहीं हूँ क्राफ्टिंग टेबल के लिए। और मेरे को क्लोथ बनाने के लिए, मतलब अपने पहनने वाले क्लोथ बनाने के लिए क्लोथ चाहिए, तो क्लोथ जल्दी से बना लेते हैं क्लोथ बनाने के लिए। वाह क्या बोला मैंने अभी, अजीब सी चीज, पर जल्दी से क्राफ्ट करते हैं क्योंकि जो मेरी डे ड्रीम है ये मेरी हेल्प कर रही है, तो इससे मैं जल्दी जल्दी बना पा रहा हूँ। और अब मैं यहाँ से भी क्राफ्ट कर रहा हूँ, मैं तो कहीं और को देख रहा हूँ पर मैं उस साइड से बना पा रहा हूँ। पर जल्दी से अब क्या करते हैं, क्लोथ बनाते हैं और जल्दी से अपने लिए पहनने वाले क्लोथ बनाते हैं। Here we go guys, हमारे पहनने वाले क्लोथ ही बन चुके हैं और इनको पहन लिया। और हाँ गाइज, अब मेरे को ठंडी नहीं लग रही है और सामने पे दो क्रीम्स हैं, तो मैं इनमें से ये कहता हूँ ना, किसी एक क्रीम्स को पकड़ लेता हूँ। तो चल आ जा, तुझे पकड़ूंगा मैं। चलो वो वाली तो सो रही है, वो जगेगी नहीं, तो आ जा, अब इसको जल्दी से मैं पकड़ लेता हूँ अपनी टीम में। चलो क्रीम्स भी अपनी टीम में आ चुकी है, 100% चांस। ओके क्रीम्स पकड़ लिया हमने। अरे गाइस ये क्या हो गया, रात को उल्लू पकड़ने आया था, ये पता नहीं क्या चमगादड़ टूम बैठ करके एक बंदा आ गया भाई सामने लड़ने पर, अब इसको मारना मुश्किल हो रहा है गाइस। 12 लेवल है भाई इसको, मेरा भी तो 10 भी नहीं हुआ है, 6-7 लेवल है मेरा बस भाई, ये तो बहुत मार रहा है गाइस, इसको कैसे भी कैसे करके पकड़ना पड़ेगा जल्दी से। अब मैं पूरी अपनी 100% ट्राई करने वाला हूँ इसको पकड़ने में। आ जा, हमको एक टूम बैड मिल चुका है और हमारा लेवल अप 8 हो चुका है भाई। मैंने एक 12 लेवल के पोकेमोन को पकड़ लिया, मेरी हेल्थ देख रहा गाइस, वो मेरे को एक शॉट मारता तो मैं मर जाता। तो अब क्या करते हैं, हम जल्दी से अपने बेस में जाते हैं और देख कर आते हैं ये टूम बैड कैसा पोकेमोन है। ये हमारे यहाँ पे घर भी बन चुका है गाइस। मैं यहाँ पे टूम बैड को देखना आया था, पर मैंने क्या सोचा ना, अब मैं एक घर बना सकता हूँ, क्योंकि जो मेरा बेड है वो मैं ऐसे खुले में लगा नहीं पा रहा था, वो कह रहे थे एक रूफ चाहिए बेड बनाने के लिए। तो मैंने अपने लिए एक अच्छा सा, मतलब उतना भी अच्छा नहीं पर ठीक ठाक सा एक घर बना लिया है। अब क्या करेंगे, जो ये मैंने सीढ़ी लगाई है ना ऊपर चढ़ने के लिए, ये टूट नहीं रही है, अब इसको देखते हैं गाइस ये बाद में कैसे टूटेगी। या तो हो सकता है इसमें आग लगानी पड़ेगी, पर ये अच्छी नहीं लग रही है ना, तभी मैं कह रहा हूँ। हमारे यहाँ पे बेड भी बन चुका है गाइस, क्योंकि मैंने जो घर बनाया था उसके अंदर मैंने अपना बेड लगा दिया कैटिवा की मदद से। और अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसके अंदर जो भी अपना क्राफ्टिंग टेबल, रिपेयर बेंच, वो सब चेस्ट वेस्ट, वो सब मेरा मैं इस घर के अंदर बिल्ड करने वाला हूँ। तो जल्दी से मैं ये सब चीज़ को ना यहाँ बिल्ड कर देता हूँ। चलो मेरा यहाँ पे चेस्ट भी बन चुका है। ओके गाइस, मैंने एक क्राफ्टिंग टेबल और चेस्ट को यहाँ पे बिल्ड कर दिया है। और अब ना मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा वुड लेकर आता हूँ, और क्योंकि मेरे को एक रिपेयर बेंच भी बनानी है, तो उसके लिए मेरे पास वुड की कमी हो रही है, तो जल्दी से थोड़ा सा वुड लेकर चलते हैं अंदर। और मैंने यहाँ पे अपने पोकेमॉन्स के लिए फीड बॉक्स भी बना दिया, और अच्छा इसके अंदर खाना भी रखना पड़ेगा। तो अभी मैं ना फिलहाल के जितना खाना मेरे पास है, ये अंडे नहीं रख सकता हूँ ना मैं, ये सारा सामान रखता, खाना ही रखना है क्या ये, बाकी अंडे वंडे खा सकते हैं मेरे, पर मतलब जो मैं पकड़ के लाया था वो वाले खा सकते हैं। पर अभी मैं ना आधे बेरीज इनके लिए रख देता हूँ खाने के लिए ये, क्योंकि अगर इनको भूख लगेगी तो ये लोग यहाँ से खा लेंगे। और थोड़े से ब्रेड भी रख देता हूँ, और कुछ है कि नहीं। चलो मैंने इनके लिए बेड भी बना दिया था जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा। और मेरा पैर बॉक्स, मतलब जो मेरा बेस है वो भी अपग्रेड हो सकता है, मैंने 4 लेवल का कर लिया अपना बेस। और अब क्या करते हैं ना, टोटल अभी हम क्या करने वाले हैं, टोटल के टोटल 30 पोकेमॉन्स पकड़ना चाहेंगे। तो जल्दी से ना मैं टोटल 30 पोकेमॉन्स पकड़ के लाता हूँ। आ जा, ये आ गया गाइस, हमारा नाइटविंग आ चुके हैं हमारी टीम में। पर अभी मेरे पास पैल बॉल खत्म हो रही है, मतलब कम हो रही है, तो मैं जल्दी से क्या करता हूँ, थोड़ी सी पैल बॉल्स लेकर आता हूँ, फिर उसके बाद और पोकेमॉन्स पकड़ने चलते हैं। गाइस नाइटविंग आ चुके हैं अपनी टीम में, यस। चलो एक और पोकेमॉन आ चुका है, ये आ ही जाएगा जहाँ तक लगता है, और 90 100। ओके गाइस, हमने एक और पोकेमॉन पकड़ लिया है। तो गाइस मैंने यहाँ पे 30 के 30 पोकेमॉन पकड़ लिया हूँ। मैं यहाँ पे रात में आया हूँ, तो मैंने एक पोकेमॉन्स के लिए ना बेड ही बना दी, क्योंकि पोकेमॉन्स के लिए जो बेड थे वो कम पड़ रहे थे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो टूम बेड है मेरा, ये पूरा टाइम मेरे बेस में काम कर रहा था, तो मैं क्या करता हूँ, इसको ना सुलाने के लिए भेज देता हूँ, और ये सो गया है। पर
ये दूसरों के बेड पे सो गया भाई, अनोखा ही है पर चलो कोई नहीं गाइस। और मैं आपको कुछ चीज दिखा देता हूँ करके ही देखो, मैंने यहाँ पे बेरी प्लांटेशन बना दी पर ये कैपरेटी यहाँ पे क्यों सो रही है, और ये टूमेट उठ क्यों गया, ये रात को उठता है शायद, ये रात को सोता नहीं है। पर अभी हम क्या करेंगे, हम पहले सो जाएंगे और मैं आपको दिखाता हूँ मैंने अपने बेस में क्या क्या चीज बना दी है। तो सुबह हो चुकी है, गुड मॉर्निंग हो गई है और टूमेट अपना अभी भी उड़ने में है चारों तरफ। और यहाँ पे कुछ गेंडे आए हैं गाइस, क्या कह रहे हो, इनको भी पकड़ने क्या, रुक जाओ, गेंडे तगड़े तो लग रहे हैं गाइस, ऐसा लग रहा है मारने वाले गेंडे हैं तगड़े से। रुक जाओ, इसको इससे लड़ाई करता हूँ और इसको थोड़ा सा दूर ले जाता हूँ क्योंकि जो मेरा टूमेट है वो इनको पूरा ही मार देगा। तो जल्दी से ना ट्राई करता हूँ इन लोगों को कैप्चर करने का, एक तो नीचे गिर गया, तो जल्दी से ना मैं ट्राई करता हूँ इन लोगों को कैप्चर करेगा गाइस। अरे शिट गाइस, ये क्या हो गया, मेरे को लगा था ये बहुत तगड़े पोकेमोन है तो मैंने अपना नाइटविंग भेज दिया, पर नाइटविंग ने क्या करा, दोनों को एक खत्म कर दिया, मतलब ना दोनों को डेड कर दिया। ये एक तरफ से अच्छी बात है करके मेरा नाइटविंग बहुत पावरफुल है, पर दूसरी तरफ से एक गंदी बात है करके मैं ये गेंडे वाले पोकेमोन पकड़ नहीं पाया। पर चलो कोई नहीं, अभी हम क्या करते हैं अपने बेस में चलते हैं और देखते गए इस बेस में क्या हालचाल चल रहे हैं। और बेस में एक इंसान है, ओके, ये एक बॉन्डिंग ट्रेडर है, ट्रेडर आए अपने बेस में, तो देखते हैं ये ट्रेडर भाई साहब क्या सामान बेच रहे हो भाई। बाय में जाते हैं और देखते हैं, ओ उतना अच्छा सामान नहीं बेच रहे गाइस, ये कुछ खाने वाने की चीजों में इनको सेल भी कर सकता हूँ, ये फेदर सेल कर देते हैं मैं इनको, और जो भी मेरा जो फालतू सामान है ना मैं सब इनको सेल कर देता हूँ। चलो मैंने ट्रेडर भैया को अपना सारा फालतू का सामान बेच दिया है। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर देना, और कमेंट मेरे को जरूर से बताना आपको मेरा ये घर कैसा लगा, और 10k सब्सक्राइबर्स गाइस जल्दी से करवा देना मेरे। तो तब तक के लिए बाय बाय।